मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज इन अवर साइंस सब्जेक्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू ऑलरेडी नो दैट देर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो देर आर टू कैटेगरीज। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट दोज थिंग्स। लेट्स सी वॉट कम्स इन लिविंग थिंग्स एंड वॉट कम्स इन नॉन लिविंग थिंग्स। See the examples of living things and non-living things. First, the examples of living things are people, means human beings, mushrooms, flower, dragon, tree, frog, fish, and birds are living things. Now, non-living things examples are teddy bear, ball, doll, balloon, cloud, skateboard are the examples of non-living things. Do you know, student, what's the meaning of living things? Things that have life are लिविंग थिंग्स। जिसकी लाइफ होती है उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सजीव। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। ओके, now what's the meaning of non-living things? Things that do not have life are non-living thing. जिसकी life होती नहीं है उसको हम non-living things कहते हैं, means निर्जीव। okay, तो living non-living things क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते compared to living things? okay, non-living things cannot move, non-living things cannot grow, non-living things cannot breathe, non-living things cannot reproduce, even non-living things does not need food and water. We will discuss about the living things. Now first, living things can move. So the human is the living things. So human beings move using their legs. जो living things होते हैं वो move करते on their own, अपने आप move करते। जैसे कि human beings, वो move करना है तो उनका leg use करेंगे, एक दूसरे से दूसरी जगह से जाने के लिए move करने के लिए। Same is this animals. Animals use their legs to move. Animals होते हैं वो भी अपना legs use करते हैं move करने के लिए। While those animals have no legs, what they do? They use their body to move one place to another place. Just example of snakes, fish use their body for the move. They are living things, so they can also move for one place to another. Now see the examples of plant. Parts of plant move toward light. जो plant होते हैं वो भी move कर सकते हैं, लेकिन वो एक place से दूसरे place पर जाते नहीं है। उनका जो parts होता है, जैसे see the examples of sunflower. जब भी सन की लाइट जिस तरफ जाती है वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस तरफ मुड़ते, तो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड लाइट, वो भी मूव कर सकते हैं। See the another things, living things grow.
लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड विच ग्रो इनटू ए मैन। जैसे कि आप देखते हो, पहले आप छोटे थे, फिर चाइल्ड हुए, फिर आप देखते हो कि आप बड़े बड़े होकर पापा की जैसे बनेंगे, मैन बनेंगे, ठीक है। तो बेबी ग्रो इनटू चाइल्ड, चाइल्ड ग्रो इनटू ए मैन। ये जो चीज़ है वो लिविंग थिंग्स ही कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। सी द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स ऑफ काउ। काउ ग्रो इनटू ए काउ। काउ पहले छोटी होती है, तो काउ छोटे होते फिर बड़े होके काउ बन जाती है, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स पहले ही बड़े नहीं होते, पहले सीड होते हैं, देन प्लांट, देन ट्री। सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री, ओके। नाउ सी द अनदर थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स होती है, उनको जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर की नीड होती है। While non-living things do not need food and water. See the examples of human beings. Human beings depend upon plants and animal for their food. हम food कहाँ से लेते हैं? Plants से, animals से। Plants से हम wheat है, rice है, ये सब लेते हैं। Animals से हम milk लेते हैं, eggs लेते हैं। तो हम plant and animals पर depend होते हैं, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए, ठीक है। नाउ सी द अनदर थिंग्स। प्लांट्स। प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग्स, सो इट इज ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर। बट हाउ? प्लांट मेक्स देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट। प्लांट्स का फूड कौन सा होता है? वाटर, एयर एंड जो सन की लाइट होती है वो उनका फूड होता है। वो इसको मिलता है, वो ग्रो करता है। Animals is also living things. So animal depend upon plants or other animals for their food. उनको भी जिंदा रहने के लिए food चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे animals होते हैं वो plant खाते हैं, और बड़े बड़े animals होते हैं वो छोटे छोटे animals को खाते हैं। लेकिन we will discuss in detail about in the another chapter for those things. Okay? Living things can breathe. Living things होते वो breathe करते, inhale and exhale करते, but how? See the first one, human beings can breathe. Human beings होते वो breathe करते, fresh air take करते। Human beings inhale the oxygen from the plants and exhale the carbon dioxide. As animal can breathe, animal also inhale the oxygen from the plants and exhale the carbon dioxide. Plant is also living things, so plants can breathe. Plant bhi breathe karte, but its process is different from the animals and human beings. How? Plants inhale the carbon dioxide and exhale the oxygen which we take. Okay? Living things can reproduce. Means living things have young ones. Reproduction is the process in which a living things give birth to young one of its own kind. While non-living things do not have young ones, जो living things होते हैं वो अपने बच्चे को ही birth दे सकते हैं। Just example, a cat give birth to a kitten. जो cat होती है वो kitten को birth देती है। Birds lay eggs from which young ones come out and slowly grow into adults. वो एग्स को बर्थ देते, फिर इसमें से छोटे छोटे बच्चे होते और फिर बड़े होते।
सेम एज ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस. ह्यूमन बींग्स के भी अपने अपने यंग वंस होते हैं, जैसे कि मदर वो भी अपने छोटे बच्चे को बर्थ दे सकती है. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, सो प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो. जस्ट एग्जाम्पल हियर द सनफ्लावर. वी ग्रो द वन सीड ऑफ सनफ्लावर एंड इट बिकम ए ग्रो ए प्लांट. जैसे कि कोई भी सीड होता है उसको हम ग्रो करते हैं, इसमें से प्लांट बनता है, फिर उस प्लांट पर जो सीड आता है उसको फिर से ग्रो करते हैं, इसमें फिर से प्लांट बनता है. इस तरह से प्लांट की रिप्रोड्यूस चलती जाती है. Now see the overview of our video. Living things that have life are living things. जो भी चीज़ हमने पूरे वीडियो में देखी वो लिविंग थिंग्स कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर नॉन लिविंग थिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. थैंक यू.